नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड टाइप में देखते हैं कैसा रहेगा क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो ऐसा कभी क्वेश्चन रहता है जिसमें बोल अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस गामा डिवाइड बाई सब कुछ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट मेरा क्वेश्चन और मेरे को इंटीग्रेट करना रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि न्यूमरेटर को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, के वन टाइम्स, ठीक है, डिनोमिनेटर प्लस के टू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस के थ्री, ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हुआ करता था जब अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में, तो क्या करते थे, नीचे जो दे रखा है क्वाड्रेटिक एज इट इज ऊपर बनाते थे, प्लस मतलब के वन टाइम्स नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस के टू टाइम्स नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करते थे प्लस के थ्री काम करते थे, जो हम लोग अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में क्या करते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, साइन कॉस का टर्म ऊपर भी नीचे भी साइन कॉस का टर्म है, ठीक है, हो सकता है कॉस ना हो सिर्फ साइन हो या फिर साइन ना हो सिर्फ कॉस, ठीक है, इस फॉर्मेट में कभी रहा हम लोग इस तरीके से करें। न्यूमरेटर को क्या करेंगे, के वन टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस के टू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस के थ्री, मीन्स अल्टीमेटली पूरा सिंप्लीफाई करने पर न्यूमरेटर के बराबर आ जाना चाहिए ताकि इसके जगह पर हम लोग ये चीज़ लिख सकें। तो अगर ऐसा मेरा बन जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली ये बोलेंगे के वन टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस के टू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस के थ्री, और यहाँ पे क्या है मेरा एक्चुअली यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी क्या है डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी क्या है डिनोमिनेटर, तो यहाँ सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे के वन एक्स आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ मेरा क्या हो जाएगा प्लस के टू टाइम्स एफ, तो ऊपर एफ डैश लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे यूज़ टाइप वन, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे टाइप वन का यूज़ करेंगे, मीन साइन को टेन के हाफ एंगल में, कॉस को टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट वगैरह करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये तो सिंपली आ गया, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का टाइप वन यूज़ करके हम लोग इंटीग्रेट कर लिया करेंगे, ठीक है। आई होप सबके यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा सभी को। जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर मान लो कभी दे रखा है टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस वन, ये दे रखा सपोज, ठीक है, और नीचे अगर हो सपोज फोर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, ये मेरे को इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब देखो क्या करना है, न्यूमरेटर क्या दे रखा है मेरे को थ्री साइन एक्स, सॉरी टू साइन एक्स है ना, ठीक, प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस वन दे रखा है। अब इस न्यूमरेटर को क्या करना है मेरे को, के वन टाइम्स क्या लिखना है, के वन टाइम्स क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो लिख देते हैं यहाँ पे के वन टाइम्स फोर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस फाइव मैंने कर दिया, प्लस के टू टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो प्लस क्या लिखेंगे के टू टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ये हो जाएगा मेरा फोर कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या करना है यहाँ पे के थ्री करना है, काम कर लिए हम लोग, है ना। मैंने क्या लिखा, इस न्यूमरेटर को मैंने क्या लिखा, के वन टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस के टू टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो फोर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, और फाइव का जीरो हो गया, प्लस के थ्री मैंने कर दिया, ठीक है। अब देख लो एक काम करो, साइन को वहाँ पे क्या करेंगे देखते चलो, यहाँ पे ये तो एल एच एस एज इट इज है, इसमें क्या करो साइन को अलग कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो साइन एक्स को अगर मैं अलग करता हूँ तो क्या हो जाएगा फोर के वन, ठीक है, और इधर कहीं दिखाई दे मेरे को प्लस के टू आ गया, अगर मैं कॉस एक्स को अलग कर लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस फोर के टू, है ना, और कॉन्स्टेंट कितना है यहाँ पे प्लस फाइव के वन, यहाँ पे क्या हो गया फाइव के वन प्लस के थ्री आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये ऑफकोर्स इक्वल है मेरा टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस वन के इक्वल है ना, तो यहाँ से साइन एक्स का कोफिशियंट क्या फोर के वन प्लस के टू, और इस जगह पे साइन एक्स का कोफिशियंट टू है, यहाँ से क्या हो गया फोर के वन प्लस के टू इक्वल कितना हो गया टू आ गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉस एक्स का कोफिशियंट क्या है, कॉस एक्स कोफिशियंट है थ्री, और इधर क्या है माइनस के वन प्लस फोर के टू आ गया,
ठीक है। यहाँ से दो इक्वेशन और दो अननोन पहले K1 K2 फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस जगह से मेरे को जो अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16K1 प्लस 4K2 इक्वल टू 2 है, और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे क्या हो गया, K1 माइनस 4K2 माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सब इसको अल्टीमेटली मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि K2 कट जाए, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 17K1 इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस 5 हो गया, ठीक है। और K1 इक्वल टू माइनस 5/17, ये सब सिंपल सब तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। K1 निकल चुका है यहाँ से, अब K1 निकल चुका है, K2 मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो K2 किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 3 प्लस K1/4 हो जाएगा K2 जो होगा, है ना। और मैंने K1 क्या निकाल रखा है, माइनस 5/17, तो K2 यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लो 3 माइनस 5/17/4 है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है बट ठीक है, उसे हम लोग कर लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 माइनस 5 विच इज 46/68, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 23/34 मेरा K2 आ चुका है, ठीक है। अब K2 आ चुका, K3 भी निकाल लेते हैं। तो K3 क्या हो जाएगा, 5K1 प्लस K3 दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 के इक्वल होगा, है ना। तो K1 कितना निकला था मेरा, माइनस 5/17, तो 5 × −5/17 प्लस K3 इक्वल टू 1 आ गया। तो K3 कितना आ गया, 1 प्लस 25/17 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 17 + 25/17 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 42/17 विच इज़ K3, है ना। थोड़ा ठीक है, मीन्स सिंपल हम लोग कैलकुलेशन ही करना था, तो K1 K2 K3 हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। मैंने खुद से रैंडम क्वेश्चन इसलिए थोड़ा लेंदी यहाँ पे आ गया, अदरवाइज तरीका सबको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या अप्रोच मेरे को लगाना है, ठीक है। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका बड़ा इजीली K1 K2 K3 वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे K1 K2 K3 निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रैंडम क्वेश्चन था, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगा, है ना, बट ज़्यादा अच्छा बात है, थोड़ा सा मतलब लेंदी कैलकुलेशन भी आता है, तो क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है JEE में कई बार, लेंदी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन खूब सारा भरा रहता है, ठीक है। एनीवे, K1 K2 K3 हमने फाइंड कर रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, है ना, सॉल्व करना है मेरे को। तो अब क्या लिखेंगे, K1 टाइम्स क्या लिखना है मेरे को, इसको मैं लिख सकता हूँ K1 टाइम्स, दैट मीन्स K1 कितना, -5/17 टाइम्स नीचे वाला, मीन्स 4 sin x -cos x, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। 4 sin x -cos x प्लस 5, ये दिस dx अलग अलग कर लेंगे। K2 कितना आया मेरा, K2 मेरा आया है 23/34, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना बना था मेरा, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव मेरा आ गया था 4 cos x, 4 cos x प्लस sin x / 4 sin x -cos x प्लस 5 dx, ठीक है। प्लस K3 टाइम्स, K3 कितना था, ऑफकोर्स मेरा 42/17 है, ठीक है। दिस टाइप दिस बाई क्या लिखेंगे, नीचे वाला, मीन्स 4 sin x -cos x प्लस 5 dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये -5/17x हो गया, क्या हो गया, एफ तो ऊपर f'x लिखा हुआ है, तो प्लस 23/34, ठीक है। क्या लिखेंगे, ln 4 sin x -cos x प्लस 5 हो गया, ठीक है। इसको क्या करें, 10 के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे इस चीज़ को, है ना, 42/17 लिखा हुआ है ना, मैं तरीका बता दे, तो क्या करना है इसमें, क्या करना है, 10 के हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 क्या लिखेंगे, 4, है ना। इसको क्या लिखेंगे, 2 tan x/2 / 1 + tan² x/2 करेंगे इस चीज़ को,
माइनस या कॉस एक्स है, इसको भी टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट किसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कर लेंगे, है ना, या प्लस फाइव एज इट इज है, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाए, ऊपर पहुंच जाएगा और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है ना, यहाँ पे dx लिखा हुआ एक्चुअली में इस जगह पे, ठीक है। तो बस इस वाले पार्ट को मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसे में इस सब क्वेश्चन ऑलरेडी के टाइप वन में या फिर केस वन में मैं ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन कर रखा हूँ, ठीक है। अगर वहाँ भी देखोगे तो समझ में आएगा चीज़ क्या करा जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर जा क्या हो जाएगा ये चीज़ sec square x by 2 आ जाएगा इंटू dx आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा ये चीज़ देख लो 4 इंटू टू एट टेन एक्स बाई टू आ गया, ठीक है, ये हो गया, है ना। और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 4 बाई सेवनटीन तो बाहर है, है ना, यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है डिवाइडेड बाई देखो फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू विच विल बी सिक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया यहाँ पे ना, सिक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया, ठीक है। ये प्लस क्या हो गया एट टेन एक्स बाई टू आ गया, ठीक है। और माइनस वन प्लस फाइव विच इज प्लस फोर हो गया, ठीक है। अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो उसको सुधार लेना, ठीक है। बट बाकी मेरे को सही लग रहा है सब कुछ, है ना। मेन तरीका समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कर क्या रहे हैं, क्या अप्रोच लगाना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, है ना। इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करता हूँ, यहाँ सिक्स वाले बाहर निकाल लो तो फोर बाई सेवनटीन इंटू सिक्स बाहर अगर निकला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू प्लस फोर बाई थ्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा मैं लिख देता हूँ फिर से, ठीक है, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस फोर बाई थ्री टेन एक्स बाई टू प्लस फोर बाई सिक्स विच इज़ टू बाई थ्री, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा फोर बाई क्या है सत्रह सेवनटीन सिक्स जा वन जीरो टू, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस फोर बाई सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना चुका है ना। फिर बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा माइनस फोर बाय सिक्स का होल स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री आ गया, ठीक है, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ फोर बाय सिक्स को टू बाई थ्री, ये भी क्या बोलेंगे एक्चुअली में टू बाई थ्री ही लिखा हुआ है, टू से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ चुका है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते कितना हो जाएगा चीज़ देख लेते एक बार, ठीक है। तो 2 बाई थ्री दैट मीन्स 4 बाई नाइन प्लस टू बाई अच्छा माइनस है ना माइनस दिस प्लस टू बाई थ्री हो गया तो 9 आ गया तो माइनस फोर प्लस सिक्स हो गया दैट मीन्स दिस इज 2 बाई नाइन, ठीक है। एक्चुअली 2 बाई ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि माइनस फोर बाई नाइन प्लस टू बाई थ्री तो नीचे 9 हो गया दैट मीन्स माइनस फोर, ठीक है, एंड टू एंड थ्री था ना थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू सिक्स बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या लिखा फोर बाई वन जीरो टू, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको रूट रूट टू बाई नाइन का होल स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो डी टी है ना, इसको अगर मैं टी बोलूँ तो ऊपर क्या लिखा डी टी लिखा हुआ है ना। तो एक काम करते हैं इस जगह पे मेरे को यहाँ पे
मैंने यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ मैं इसको t बोलता हूँ, ठीक है, 10x by 2 प्लस, देखो जैसे मैं बोलता हूँ लेट, मैंने क्या बोला इस जगह पे 10x by 2, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना इस जगह पे कि यहाँ पे क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बाई टू चल रहा था ऊपर, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है बस, ठीक है। यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, सब sec स्क्वायर एक्स बाई टू है, बिल्कुल सही है ना। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 10x बाई टू प्लस 2 बाई 3 जो दे रखा है ये है ना, ये था ये देश, ये था, ठीक है। मैं 10x बाई टू प्लस 2 बाई 3 के होल स्क्वायर को अगर मैं टी ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे को, sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है मेरे को, 4/102 जो दे रखा है आप x बाई टू लिखा हुआ ये है ना, तो x स्क्वायर sec स्क्वायर x बाई टू, तो यहाँ से क्या हो गया, sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स किसके इक्वल हो गया, 2 dt के इक्वल आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग इस जगह पे, 2 dt डिवाइड बाई t स्क्वायर माइनस रूट 2/9 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आ चुका है, अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं कहाँ लिखूँ, ऊपर फाइनल आंसर में लिख देता हूँ है ना। तो 4/102, ठीक है, इंटू 2 तो बाहर ही है, अभी क्या बोलेंगे फिर से, क्या 1/2 है, दैट मीन्स 2 इंटू रूट 2/9 एल एन एक्स माइनस है, दैट मीन्स टी माइनस रूट 2/9 डिवाइड बाई टी प्लस रूट 2/9, ठीक है। और यहाँ पे प्लस सी मीन्स क्या हुआ फाइनली, दिस ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस लास्ट थर्ड प्लस सी इज कंप्लीट इंटीग्रेशन, मतलब कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है इसको इंटीग्रेट करने का, ऑफकोर्स थर्ड वाला पार्ट था वो थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है, बट तरीका सबको समझ में आना चाहिए क्या करा जा रहा है, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या अप्रोच लगा रहे हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी टाइप वन में या फिर केस वन में या फिर कैटेगरी वन जो बोलना चाहो उसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा है ना।